तो भाई ये डिस्कशन चल रहा है हमारा कि अगर बाइक होती, मतलब मैं RS लाता अभी तो इतना सामान आता। भैया मैं 50 किलो का चावल का कट्टा, 25-25 किलो के दो आटे के कट्टे और उसके बाद ये वाला बैग रख के लाता था। तभी अब देखो क्या पेड़ ही पेड़ है भाई, पूरा कितना अच्छे, एक वैली टाइप की लग रही है रहा था भाई। यहाँ पूरी चट्टाने थी, सिर्फ इतनी सी सिंगल रोड थी इधर पे, एक देखो झरना था, है था कह रहा हूँ मतलब। A3 N63 कैसे हैं आप सब भाई? ये क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, स्कूटी में हूँ यार। सो हेलो गाइस, दिस इज जियोबॉय A3 एंड सी इज एंटॉर्क VS6। इसका कोई नामकरण नहीं करा गया है, बट यू कैन कॉल हर नीलेमा बिकॉज आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ GS फिल्म। सो उनकी हायाबुसा का नाम है नीलेमा, तो यू कैन कॉल हर नीलेमा। सो अभी व्लॉग शुरू हो रहा है, कुछ नई सी जगह दिख रही होगी, नई सी जगह मैं आपको नया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक देखो झरना था, है था कह रहा हूँ मतलब, अभी पानी नहीं है ना इसलिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तब बहुत अच्छा आता है ये झरना, और अभी नॉर्मल डे जैसे हैं तो उसमें उतना खास नहीं आता है। तो फिलहाल व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे गाँव, यानी हमारे गाँव, मेरे गाँव, ये हमारे गांव को रोड जाती है लेकिन ये तबाह हो चुकी है पहले ही, और ये JCB लगा पड़ा है यहाँ काम के लिए। तो बड़े टाइम बाद स्कूटी चला रहा हूँ, इसकी रेस बहुत हल्की हो चुकी है, बीच में भारी हो गई थी और इसका एक्सेलरेटर वायर जो है टूट गया था, तो ये बहुत बुरा हुआ था इसके साथ। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर का सामान लेने। तो मेन चीज़ मैं बताता हूँ, मैं गाँव क्यों आया, तो मेरा गाँव जो कि चुरियानी है, तो व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है। दरअसल दादाजी की बरसी है, बरसी यानी कि वार्षिक, तो उनको उनका किसी की डेथ होती है तो 12 महीने या ऐसे कुछ के बाद उस बरसी होती है, वार्षिक बोलते हैं जिसे, तो वही है दादाजी की। तो उसके लिए आए थे घर, और हर जगह इनविटेशन दे दिया गया है, सभी लोग बरसी के दिन आएंगे। तो उससे पहले जो मेन चीज़ होता है, सब्जी लानी है, चावल लाना है, ये वगैरह वगैरह लाना है, तो आज मैं भी वही लेने गया हूँ। और मुझे पता नहीं था यहाँ संडे को बंद रहता है, तो अभी नीचे दादाजी लोग, बूबू लोग हमारे, चाचा लोग बैठे थे वहाँ पे, तो उनसे पूछा मैंने, पूछा क्या, उनने खुद ही बताया कहाँ जा रहा है। मैंने बोला यार मैंने बोला चाचा मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, तो उनने बोला कि जल्दी जा, 10-11 बजे तक ही सामान मिल पाएगा, वरना उसके बाद नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ को संडे को बंद होती है मार्केट। मैंने कहा अच्छा, जैसे हल्द्वानी को क्या होता है कि सैटरडे को ऑफ रहती है लगभग मार्केट, तो यहाँ को सैटरडे को नहीं होती, यहाँ संडे को ऑफ होती है। तो ये रहा अपना गांव, यहाँ से फुल व्यू दिख रहा है, वाह। और इससे पहले वाले व्लॉग पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे व्लॉग एंड कर दिया था, टू बी कंटिन्यूड, तो वो इसीलिए करा था क्योंकि मैंने सोचा नेक्स्ट व्लॉग ये वाला बनाऊँगा, इसलिए उसे वहीं पर पॉज कर दिया था, फिर वो बड़ा भी हो रहा था। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि यार दरअसल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ काम के, उससे तो संडे को भी शायद मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, शायद मंडे को आ जाए एडिट करके, तो टाइम नहीं हो पा रहा है। घर आए, घर की सफाई वगैरह वगैरह बहुत काम हो जाते हैं फिर, क्योंकि रहा था भाई यहाँ पूरी चट्टाने थी, सिर्फ इतनी सी सिंगल रोड थी इधर पे, अब ये काट के डबल बना दिया है, लेकिन ठंड लग रही है यार मुझे बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी होता है। तो अब स्कूटी की पावर का मज़ा लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे दबा के भगा के देखते हैं। वैसे इसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी है शायद, तो अगर वो मोड ऑन करो तो पावर इसकी बढ़ जाती है, एवरेज इसका घट जाता है, लेकिन जितनी भाग रही है उतना काफ़ी है। चट्टाने देखो यार कितने ऊपर तक काटी है ना, ये देखो ये पत्थर जो है ना कभी भी आ सकते हैं, तो एकदम रिस्क में है ये चीज़। तो यहाँ कभी भी आए तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऊपर से पत्थर तो नहीं गिर रहे हैं, और जितना हो सके साइड को ही चलें, लेकिन जो इधर से आ रहा है उसे तो यहाँ चलना ही है, बस वो ध्यान दे कि कुछ गिर तो नहीं रहा। नहीं तो देखो
पूरी की पूरी जो है ना चट्टाने चट्टाने हैं यहाँ पे, और इसमें कटिंग करी है भाई इनने, बताओ। मतलब वो कहते हैं ना यार, आपके पास जब टेक्नोलॉजी है तो उसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए वगैरह टाइप्स। अब देखो क्या पेड़ ही पेड़ हैं भाई, पूरा कितना अच्छे, एक वैली टाइप की लग रही है। यही तो मज़ा है ना यार, जब आप हिल्स पे चलते हो ना, आपको एक्चुअल में पता नहीं चलता आप कब कहाँ पहुँचिए। भाई देखो जब ये पेड़ भरे से है ना, बिल्कुल एक वैली जैसी लग रही है, कितनी शानदार भाई, है ना यार। ये है ना मज़ा यार हिल्स का। यार एक कैमरा देख पाएगा नहीं देख पाएगा, लेकिन देखो सामने मेरा स्कूल दिख रहा है, वो लाल लाल बिल्डिंग वाला। मैं जूम करूँगा इसको अगर दिख पाए, या फ़ोटो ऐड कर दूँगा। तो हमारा स्कूल बाराकोट का है, जहाँ से मैंने 10th पास आउट करा था, और उसके बाद मैंने अपने आगे की क्लासेस ली थी चंपावत से, जहाँ से मैंने 12th पास आउट करा था, उसके बाद जय माता दी। तो गाइस, अरे अरे भैया जी, भैया जी, तो सब्जी की दुकान तो दिन भर खुलेगी बोल रहे हैं, परचून की नहीं खुलेंगे, बस संडे का। यहाँ का रूल ये है, मैं लोहाघाट में हूँ फिलहाल, देख लूँगा एक बार चलाता हूँ, इधर ही आ जाएगा ये, हो जाता है, हाँ हाँ देख लूँगा मैं। तो गाइज ये लागे हम सारा सामान, अब आ जानी चाहिए स्कूटी का, ये फ़ायदा है भाई, बहुत बैलेंस्ड है ना। ना ना ये ठीक है, ये देखो लगी कहाँ रही है, नहीं इधर ठीक तो है, नहीं नहीं होगा तभी तो रखा है, नहीं तो पैर तो ऐसे आ जाएंगे। हाँ हाँ आप टेंशन क्यों ले रहे हो, भैया मैं 50 किलो का चावल का कट्टा, 25-25 किलो के दो आटे के कट्टे, और उसके बाद ये वाला बैग रख के लाता था, तभी तो कह रहा हूँ इधर रख दो, जब दिक्कत होगी मैं दे ही दूँगा, बल्कि अभी थोड़ा आगे जाते कहीं डिस्टर्ब होगा तो, इसे डिक्की तो खाली है हमारी, थोड़ी देर रखो फिर देखते। अरे ये तो है, ये रखो इधर रखो एक बार, हाँ इसमें अटकाओ इसको, हाँ ठीक है, ये ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, चलो बैठो, जब होगा तो फिर देख लेंगे। हाँ हाँ आप हो तो सही यार, एक खाली खाली सा लग रहा है, इसको पीछे ही दे। ना ना ठीक है, बीच में वैसे ही गैप हो रहा है, गिरेगा भी लग रहा है, नहीं तो ये घुटने लग रहे हैं यार। ये लोहा घाट में ना आया हुआ जाम है भाई, कोट रोज यहाँ जाम मिलेगा ही मिलेगा। वैसे मुकेश जी अभी मैं ना बाइक लाया होता तो ये सामान आता ना, तो मतलब ही नहीं हुआ। वो बाइक सिर्फ भगाने के काम की हुई और शो के काम की। तो भाई ये डिस्कशन चल रहा है हमारा कि अगर बाइक होती, मतलब मैं आरएस लाता अभी, तो इतना सामान आता, बिल्कुल भी नहीं आता भाई, इसका एक हिस्सा भी नहीं आता, जितना आता बैग में आता वो भी मुश्किल से। और लोहा घाट का जाम भाई ये तो अनूठा ही है, यहाँ पे जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सुबह आओ चाहे शाम आओ, तो ऐसा सीन है। तो लोहा घाट से निकलने, लगभग मैंने सारा सामान बना लिया, लेकिन बस एक सामान जो है जिस दिन बरसी है उसी दिन लाऊंगा, वो है दूध दही, क्योंकि वो उसी दिन आता है ना, तो सुबह ही आऊँगा 9-10 बजे उसे पिक करके घर की ओर चल दूँगा, है ना, ऐसा सीन है। तो बाकी ठीक है, सामान ओवरलोड जैसा नहीं लग रहा है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि पिकअप डाउन हो रहा है, स्कूटी का नॉर्मल ही है, आराम से खींच रही है, दो जने हैं, ऊपर से सामान भी है, तो यहाँ पे सिंगल रोड होने की वजह से ना जाम लगता ही लगता है। बाकी पीछे मुकेश जी है, एक बैग में सामान है वो उनने पहन रखा है, तो पता भी नहीं लगने वाला है कि घर कब पहुँचे, मुकेश जी के साथ पता ही नहीं लगता है भाई कि कब कहाँ पहुँचे। बस थोड़ा सा रोड यहाँ का वो है, तो बाकी चलो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मिलते हैं और फटाफट निकलते हैं इन गड्ढों भरी रोडों से भाई, ठीक है चलो। तो गाइस पहुँच गए हैं यहाँ के फेमस होटल पे, जहाँ पे मिलती है खीर, तो यहाँ वैसे ऑलरेडी भीड़ लग रही है, क्या करें, रुके क्या यार मुकेश जी, चलो ये गाड़ी जा ही रही है। खीर बनी है क्या, खीर बनी है, एक कटोरी लगाओ पहले, आइए सर। तो गाइस निकल चुके हैं हम यहाँ से खीर खा के,
लेकिन मज़ा उतना नहीं आया इस बारी, पता नहीं क्यों, क्या मेरा टेस्ट बदल गया या मुझे भूख नहीं थी। देखो समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, तो टेस्ट भी बदल गया है। मुकेश जी वही कह रहे थे ना हम जो कि यार टेस्ट क्यों खराब हो रहा है, दूध में मलाई क्यों नहीं लग रही है। क्योंकि इंसान को क्या आप क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं। इंजेक्शन लगा दे रहे, दूध दे रही है वो 4-5 लीटर, क्वालिटी कहाँ से आएगी भाई, क्वांटिटी आएगी बस। वही यहाँ भी हो गया, अब इनके पास भी क्वांटिटी पहुँच रही है, ये क्वालिटी कहाँ से देंगे, है ना। अब वही बात हो गई, अब सब्जी का ही है यार, सब्जी अच्छी कैसे होगी क्योंकि खाद नहीं है। खाद अच्छी कहाँ से आएगी जब गाय को ही तुम इंजेक्शन पे ले हो, भूसा खिला रहे हो, उसकी खाद ही अच्छी कहाँ होगी। जब भी बात होगी, मतलब इंसान गोल घूम फिर के एक ही जगह आता है, बात वही है। जब गाय को तुम नेचुरल घास खिलाओगे तब वो खाद अच्छी देगी, वो खाद जब सब्जी में पड़ेगी, सब्जी अच्छी होगी तो भाई हम खाएंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम मेहनत करेंगे, गाय को और अच्छा खिलाएंगे, है ना। सर्कल घूम के फिर गाय के पास, है ना, ये सर्कल चलता रहेगा। अगर सर्कल कहीं भी बिगड़ा, गाय को तुम भूसा खिला रहे हो, सस्ता भूसा खिला रहे हो, इंजेक्शन पेल रहे हो, तुम भी बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जाओगे, गाय तो फिर लास्ट में गाय को भी बेचोगे, है ना, खुद भी बिकोगे। मतलब कहीं भी चीज़ें अब अच्छी नहीं रही, ये है। ये वो देख रहे हो गया आप, वो एक पोल है, पोल के पास हरी 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 बिल्डिंग है, उसके उधर पे है पोस्ट ऑफिस छीण, वो अंग्रेजों के ज़माने का है। और ये स्कूल है ऊपर, वो इसके पार पढ़ाते थे, और वहाँ हम मैच खेलने भी गए। ये तो क्या DGBR पता ही हुआ आपको, अब PWD का हो गया है ये। तो गाइज वो देखो सामने ये रही सिंगदा, और इसके पार शायद पिथौरागढ़ ना, वो हुई पिथौरागढ़, वो आगे वही तो हुई शायद आगे को, ये अपना गांव फिर से वहीं आ चुके हैं। और वो जो ऊपर स्कूल देख रहे हो ना मुकेश जी, वो तो आपने देखा होगा, वैसे यहाँ टावर भी लग गया भैया इधर, ये जियो का है शायद ये। और ये जो ऊपर देख रहे हो ये हमारा स्कूल हुआ, जो दीवार जैसी बनी है, मान ला गया। अब ये ऊपर भी पहुँचाना है तो बुलाना पड़ेगा, अकेले से तो होगा नहीं। तो चलो बाकी यही था आज का मोटो ब्लॉग, अगर पसंद आया तो क्या करना है, यू नो द ड्रिल। तब तक के लिए लाइक शेयर, नो सॉरी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड राइड सेफ एंड राइड हार्ड गाइस, ठीक है। चलो ये बहुत खतरनाक हुआ है।